नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कार को कैसे वॉश कर सकते हैं घर पर ही, तब जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस ना हो, लिमिटेड ऑप्शंस हो। और आज हमारे साथ में है सचिन भैया, वो जो हमारी मदद करवाएंगे अपनी कार को वॉश कराने में। तो चलिए अपनी कार को वॉश करते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास क्या क्या आइटम्स होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के पास पानी होना चाहिए, नो डाउट, और साथ में शैम्पू होना चाहिए, और कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कपड़े होने चाहिए, दो तीन प्रकार के, और ये सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड कपड़े नहीं होना चाहिए, ताकि अपनी गाड़ी पर जो है स्क्रैच वगैरह ना आए। और अपनी गाड़ी को ये ध्यान रखना है कहीं भी छांव में धोकर, मतलब छांव में खड़ी कर साफ़ करें। तो सबसे पहले अपनी कार के ऊपर पानी डाल लेना है और स्टार्ट करना है टायर्स से, और ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो सब साफ़ हो जाए और नीचे गिर जाए। इसके बाद में अपने साइड में या ऊपर कार के ऊपर पानी डाल लेना है और पूरी कार को जो है सारे साइड्स से वॉश कर ले। इसके बाद में एक टब या बाल्टी में आप 5 से 7 लीटर पानी ले लेना है, और इसमें अपना शैम्पू जो है मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, और जो आपने कपड़ा लिया था वो कपड़ा लेकर पूरी कार के ऊपर मतलब शैम्पू लगा देना है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान भी रखनी है, जो पानी जो है वो ज़्यादा सॉल्टी ना हो और धूप जो है ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना ये सब शैम्पू वगैरह सूख जाएंगे। और आपको ऊपर से नीचे की साइड पूरा ये शैम्पू लगाना है लीनियर मोशन। तो अभी जो है हमारी गाड़ी में पूरा शैम्पू वगैरह लग गया है। अब आपके पास में जो भी हल्का फुल्का प्रेशर वॉश हो या मतलब जो भी मग वगैरह से भी आप डाल सकते हैं इसमें पानी, तो सारा जो शैम्पू जो है वो नीचे गिरा लेना है। इसके बाद में एक सॉफ्ट जो है आपके पास जो कपड़ा था वो लेना है, और सबसे पहले अपने शीशे वगैरह साफ़ कर लेना, सारी साइड्स के, साइड के भी कर लेना है और पीछे की भी। और ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की साइड आप सारे शीशे वगैरह साफ़ कर रहे हों। इसके बाद में आपको एक और सॉफ्ट वाला जो कपड़ा है आपका वो लेना है, और अपनी गाड़ी के पूरे ऊपर से नीचे साइड साफ़ कर लेनी है। आगे से जो अपना बोनट वगैरह होता है उस पर भी, हेडलैम्प्स पे भी ठीक से साफ़ कर लेना है। तो अभी जो है हमारी गाड़ी पूरी साफ़ हो गई है। और अगर आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि फटाफट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरे हो जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ, मैं इंटीरियर कैसे साफ़ करता हूँ वो बताऊँ, तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना।